नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। मध्य प्रदेश कांग्रेस के साथ ही साथ अनूपपुर के कांग्रेस के कद्दावर नेता बिसाहू लाल ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता के साथ साथ विधायक के पद से इस्तीफा देते हुए शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में बीजेपी की सदस्यता हासिल की और इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस के एक धड़े पर व्यापक तौर पर कई आरोप लगाते हुए प्रदेश की कांग्रेस सरकार में उनकी गहरी उपेक्षा की बात कही। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि किस तरह से उन्हें उपेक्षित किया गया और उनके विधानसभा से जुड़े हुए कार्यों को भी प्रभावित किया गया और इस तरह से काफ़ी ही उपेक्षा के शिकार होने के बाद उन्होंने अंत में निर्णय लिया कि अब वह भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करके भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य करेंगे। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं खबरदार न्यूज की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। हाँ जी, तो कमलनाथ जी हम एक साथ कांग्रेस में आए, आदरणीय इंदिरा जी के समय पे, परंतु इस बार मेरे मध्य प्रदेश में सबसे सीनियर विधायक होने के बाद लगातार मेरा उपेक्षा किया गया। मेरे यहाँ मनमानी ढंग से अधिकारी कर्मचारी करके मुझे मैं अत्यंत दुखी हूँ और मैं किसी के दबाव में नहीं, मैं अपने स्वेच्छा से कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूँ जो मेरे सामने हो। और आज मैं गरीबों के किसानों के रक्षा करने वाले और हमेशा रहूँगा, मुझे कोई भी दबाव नहीं दे सकता। और सर, पिछली बार जब आप गए थे तो क्या अपनी यात्रा तीर्थ यात्रा में बताई थी? मैं तीर्थ यात्रा पे सर मोबाइल आ रहा है ना आपका सर कैमरे में, किसी पार्टी के लोगों ने रखा। मैं स्वेच्छा से बंगलौर गया था, अगल बगल के जो तीर्थ स्थान था वहाँ पे घूमा और स्वेच्छा से वहाँ पे ना मुझे कमलनाथ या उनके सरकार के लोग नहीं ला सकते जब तक मेरी इच्छा नहीं हुई। मैं किसी के दबाव में नहीं था, पर मैं काफ़ी दिन से दुखी हूँ, सवा साल लगातार उपेक्षा हो रही, लगातार किसानों के हितों के जो काम आदरणीय शिवराज सिंह जी ने 5 साल तक किया उनके ऊपर नहीं आ सकता, पुराने उनको बंद कर दिए। मैं मुझे अगर मैं पब्लिक के हित का काम नहीं कर सकता हूँ तो पीछे हो गए टाइप कर लीजिए आप, बताइए। और मुझे विश्वास है और 15 साल में मैंने देखा, मैं कांग्रेस का सदस्य रहा, तब भी कभी अगर आपके पास आया तो आपने सार्वजनिक काम को प्राथमिकता दिया और संरक्षित किया, कोई पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं। तो जो आदमी पब्लिक हमको जनप्रतिनिधि के रूप में सुनता है, अगर उनके हितों का रक्षा नहीं कर सकता तो हम क्यों किसी पार्टी में? इसलिए मैंने एक कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, भारतीय जनता और विधायक से भी इस्तीफा दे दिया, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। तो ये मेरे आपको बताऊं, जिस हिसाब से कमलनाथ सरकार चल रही है, अभी तो हम कांग्रेस के आने वाले समय में अधिकांश विधायक इस्तीफा देके भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करेंगे जो मेरे संपर्क में। सर, मंत्री न बनाए जाने की भी नाराजगी थी? मंत्री बनाना ना बनाना, कोई मंत्री बनाना कोई थोड़े बहुत बड़ा भाई, हमको पब्लिक ने क्षेत्र के काम के लिए चुना है, मंत्री भी ना बनाओ तो कम से कम क्षेत्र का तो काम करो। अब वहाँ जाओ 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 जाओ, ये कोई तरीका है? आप ये बताओ, तुम लोग कभी गए हो पत्रकार लोग, तुम लोग शाम को इतना ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? जब तुम लोगों के साथ हो रहा है जनप्रतिनिधि कौन उनके साथ रहे, भले उद्योगपति हो चाहे लंपति हो, अब बनेंगे मंत्री आप? खबरदार हिंदी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।